हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि आप चक्री के अंदर है जो धागा है जो किस प्रकार से है जो समेट सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये है जो मैंने चक्री ले रखी है। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो है जो मशीन के अंदर है जो ऑप्शन आता है यहाँ पे लगाने का, तो इस पे कैसे आपको लगाना है, किस तरीके से भर सकते हैं ये बता देती हूँ। तो थोड़ा सा है जो मैंने पहले इस पे धागा लगा रखा है, और फिर ये जो राउंड है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। जैसे आप ऊपर करोगे फिर आपको यहाँ पे चक्री डाल देनी है और हल्का सा दबा दे के, और ये राउंड है जो यहाँ पे छोड़ देना है। फिर आपको ये जो हिस्सा है ना इसको दबाना है। जब आप इसको थोड़ा नीचे दबाओगे ना, तो क्या अगर कुछ मशीन का तो ये है जो बटन काम करता है, जैसे ऐसे किया ये आराम से है, उठेगा नहीं, इस पर टच हो जाएगा। लेकिन कुछ मशीन का है जो बहुत बार यूज लेने के बाद में जो चलता नहीं है, तो जब ये काम ना करे तो आप चाहो तो इस तरीके से हाथ रख के इसको जैसे घुमाओगे ना तो ये चक्री में है जो धागा भर जाएगा। तो इस तरीके से जो धागा है जो भर सकते हो। और यदि आपने ये वाला हिस्सा मशीन में लगाया हुआ ही नहीं है तो किस प्रकार से आप धागा है जो भर सकते हो, क्योंकि हाथ से भरोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक और ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये वाली सुई लेनी है और इसमें आपको चक्री को डालना है। जब आप चक्री को इसमें डालोगे फिर हल्का सा यहाँ पर आपको मशीन को घुमाना है और इसके ऊपर रखना है। तो जब आप दबाव देके है जो इस पे है जो इसको रखोगे तो ये जो चक्का है ये इस तरीके से घूमेगा। जब घूमेगा तो आराम से हमारा जो ये धागा है इसमें भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप चक्री में है जो धागा भर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो, फर्स्ट बार आए तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।